गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आज आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम चैप्टर का नाम क्या लिखे हैं, तो नॉन वर्बल। अभी रीजनिंग में वर्बल चैप्टर काफ़ी बाकी है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे ही, पर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, लगभग 7 से 8 चैप्टर होता है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। लगभग जो भी 7 चैप्टर है अभी हम लोग पढ़ के कम्प्लीट कर देंगे, और बिल्कुल ईजी होता है नॉन वर्बल। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में जो भी 6-7 टॉपिक होता है सारा का सारा आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉन वर्बल चैप्टर हम लोग। और नॉन वर्बल में क्या है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लिखे हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, ये दोनों से सवाल पूछा जाता है, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों को एक साथ पहले हम लोग समझने का काम करते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज मतलब मिरर फिगर और वाटर फिगर से पहला सवाल पूछा जाता है। तो मिरर इमेज में क्या है, ये आपका हो जाएगा पहला चैप्टर, ये आपका हो जाएगा दूसरा चैप्टर। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि जैसे भी मान लीजिए कोई भी नाम दिया रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, उसको आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा जब मिरर में देखेंगे तो कैसा फिगर दिखाई देगा, समझिए। तो मिरर का सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि दर्पण का, एक प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है दर्पण का, जो घर में मिरर होता है। तो मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि मिरर के सामने खड़े होकर के अगर आप कंघी कर रहे हैं, अगर आप राइट हैंड से कंघी कर रहे हैं तो मिरर में आप देखिएगा तो क्या फील होगा कि लेफ्ट हैंड उठता हुआ फील होगा। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड से कंघी कीजिएगा तो मिरर में क्या फील होगा, राइट हैंड उठता हुआ फील होता है, जस्ट उल्टा दिखता है। मतलब क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड से कंघी कर रहे हैं तो वो राइट में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है वो चेंज होता है राइट में, और राइट वाला जो पर्सन होता है वो किस में चेंज होगा, लेफ्ट में। ध्यान रखेंगे लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सर में कंघी कर रहे हैं तो आपको पांव में दिखाई देगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर में अगर आप कंघी कर रहे हैं तो सर में ही दिखाई देता है, मतलब ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे ही दिखेगा। ऊपर का भाग को हम लोग बोलेंगे क्या, टॉप बोलेंगे, टॉप। और पांव जो जमीन पे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉटम, मीन्स आधार। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, टॉप वाला पोर्शन टॉप में ही दिखेगा, मतलब ऊपर का भाग ऊपर ही दिखेगा, और बॉटम नीचे का भाग नीचे ही दिखेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। टॉप और बॉटम क्या होता है, तो टॉप और बॉटम बिल्कुल फिक्स होता है, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं आता है, बिल्कुल फिक्स होता है। चेंज सिर्फ होता है क्या, तो लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में चेंज होगा, कुछ ऐसा। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि R, R लिखे कुछ ऐसा, तो R लिखें, तो मिरर जो होगा, तो सबको पता है मिरर कहाँ पे होता है, या तो राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होगा। मान लीजिए दर्पण यहाँ पे है, ये दर्पण है, ये दर्पण का पीछे को हम क्या किए, पेंट कर दिया, कुछ ऐसा दिखा, ये दर्पण है। तो R अगर आप लिखिएगा और दर्पण में दिखिएगा तो जो दर्पण में आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा कुछ ऐसा, मिरर में जो दिखेगा वो दिखेगा कुछ ऐसा। तो राइट वाला किस में चेंज होता है, देखिए जो आपका राइट में था वो चला गया लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला कहाँ चला जाता है, राइट में, कुछ ऐसा। लेकिन ऊपर का भाग ऊपर ही दिखेगा और नीचे का भाग आपको नीचे ही दिखाई देगा, कुछ ऐसा होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे एफ, एफ लिखें, इसी को अगर आप मिरर में देखिएगा, इसी को अगर आप दर्पण में देखिएगा तो आपको दर्पण में दिखाई देगा कुछ ऐसा, दर्पण में ऐसे दिखेगा। राइट वाला पोर्शन आ जाएगा लेफ्ट में, राइट वाला पोर्शन कहाँ गया, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला पोर्शन चला जाएगा राइट में, ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे ही दिखाई देता है। फिर समझिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे ई, ई लिखे, अगर आप इसी को मिरर में देखिएगा तो ये ई आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ई दिखेगा कुछ ऐसा। जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला जाएगा, ऊपर का भाग अब भी ऊपर रहेगा, नीचे का भाग नीचे ही रहना है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखे टी, तो टी अगर आप लिखें तो इसी टी को अगर आप मिरर में देखिएगा, इसी टी को अगर आप मिरर में देखिएगा तो मिरर में आपको क्या दिखेगा, तो मिरर में ऐसा ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट लेफ्ट चेंज होगा तो ऐसे ही दिखेगा, ऊपर का भाग ऊपर नीचे का भाग नीचे ही दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे इस बात को समझना है। जैसे फिर यहाँ पे हम लिखे ए, ए लिखें, ए को अगर आप मिरर में देखिएगा तो ए आपको मिरर में ऐसा ही दिखाई देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम यहाँ लिखे ओ, तो ओ को भी आप मिरर में देखिएगा तो मिरर में ओ ऐसा ही दिखेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग लिख दिए एल, तो इस एल को अगर आप मिरर में देखिएगा तो आपको एल ऐसा दिखाई देगा, जस्ट उल्टा।
तो बस इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में चेंज होगा, लेकिन ऊपर और नीचे चेंज नहीं होता है। ऊपर का पोर्शन ऊपर, नीचे का पोर्शन नीचे ही दिखाई देता है। या फिर अल्फाबेट हो या फिर आपका कोई सिंबल वगैरह कुछ भी वैसा दिया रहे वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। अब यहाँ पे आप जान लीजिए वाटर वाले का भी प्रॉपर्टी आपको हम साथ ही साथ बता दे रहे हैं ताकि दोनों को रिलेट करने में आपको सुविधा होगा। अब वाटर वाले का प्रॉपर्टी जान लीजिए, वाटर इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है, वाटर इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो वाटर इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि पानी के पास अगर आप खड़े हैं, आप कभी पानी देखिएगा, पानी के पास अगर आप खड़े हुइएगा तो जमीन पे जो पानी गिरा हुआ है उसमें आपका शैडो बनेगा। या फिर नदी तालाब के पास में अगर आप खड़े हैं तो देखिएगा पानी में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो शैडो बनेगा, वो शैडो बनेगा कुछ ऐसा, जो शैडो बनेगा कुछ ऐसा कि ये क्या है तो ये पानी है, मान लिया ये क्या है तो ये आपका वाटर है, ये मान लिए वाटर है और पानी के पास आप खड़े हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस टाइप से यहाँ पे क्या आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं पानी के पास। ठीक है, तो पानी में जब आप अपना शैडो देखिएगा, पानी में जब आप अपना शैडो देखिएगा तो आपको शैडो दिखाई देगा कुछ ऐसा, तो आपको शैडो कुछ ऐसा दिखाई देगा। पानी के पास आप खड़े हैं और पानी में आप अपना शैडो देखिएगा तो आपको अपना शैडो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखेगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे क्या दिखा कि देखिए ये आपका रियल फिगर है, रियल में ये क्या है टॉप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो रियल में हम लोग इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे टॉप। और ये जो पाँव आपका जमीन पे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे, आधार बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार। तो ये आप रियल में थे, पलटा तो पानी में फिगर बना कुछ ऐसा। अब देखिए ये जो टॉप आपका कहाँ पे आ गया, वो इसके लिए क्या कहलाएगा, वो इसके लिए कहलाएगा बॉटम। मीन्स ये वाला जो पानी में फिगर है इसके लिए ये वाला पोर्शन होगा टॉप और ये क्या होगा बॉटम होगा, कुछ होगा ऐसा। रियल वाले फिगर के लिए ये टॉप ये बॉटम, पानी वाले फिगर के लिए ये टॉप और ये बॉटम। तो टॉप वाला चेंज किस में हो गया, बॉटम में, और बॉटम वाला चेंज किस में हो गया, टॉप में। तो पानी का प्रॉपर्टी जस्ट वाटर का उल्टा होता है, इसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे चेंज होता है, ऊपर नीचे, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखेगा। ठीक है, वही चीज हम लिखे हैं कि टॉप वाला चेंज होगा बॉटम में, शीर्ष का पोर्शन आधार में चेंज होगा और आधार का शीर्ष में, टॉप का बॉटम में चेंज होगा और बॉटम का टॉप में चेंज होता है, कुछ ऐसा ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां लेफ्ट और राइट वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, ये आपका हो गया राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो गया। इस हाथ में अगर आप तिरंगा झंडा लेके खड़े हैं तो पानी में जो आपको दिखाई देगा वो इसी हाथ में दिखाई देगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि राइट राइट में ही दिखेगा, लेफ्ट लेफ्ट में ही दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। वहीं लिखे राइट राइट में दिखेगा, ये बिल्कुल फिक्स होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही दिखेगा, ये भी बिल्कुल फिक्स होता है, वो आपस में चेंज नहीं होता है। तो इसी के आधार पे हम लोग वाटर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पानी वाला। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है F, F लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको बोला जाएगा पानी में जब हम इसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा पानी में। तो पानी तो हमेशा जमीन पे होगा, ये जमीन में क्या है पानी, ये जमीन में है पानी, इसका शैडो जो यहाँ पे बनेगा तो वो बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्या देखें कि टॉप वाला चेंज कहाँ हो गया, बॉटम में, टॉप वाला पोर्शन बॉटम में और बॉटम वाला आ गया टॉप में, बस जस्ट पलट जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखना है, कुछ ऐसा दिखेगा वाटर में। जैसे फिर समझिए हम यहाँ पे लिखे आर, तो आर को अगर आप पानी में देखिएगा ये पानी है, आर को अगर आप पानी में देखिएगा तो दिखेगा कुछ ऐसा, दिखना है ऊपर का पोर्शन नीचे, नीचे का पोर्शन ऊपर, लेकिन राइट वाला पोर्शन राइट में रहेगा और लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे ई और इसको अगर आप देखिएगा पानी में तो पानी में देखिएगा कुछ ऐसा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट वाला पोर्शन राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखे एन, एन लिखें और ये पानी है, पानी में जो फिगर बनेगा वो फिगर बनेगा क्या, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया, और ये ऊपर वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखना है। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे, यहाँ पे हम लोग लिखे बी, तो इसको अगर आप पानी में देखिएगा तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, ये पलटेगा तो सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा।
तो कुछ अल्फाबेट ऐसा होता है जो चेंज होता है, देखिए ये सब क्या हो गया, चेंज हो गया, कुछ अल्फाबेट ऐसा होता है जो चेंज नहीं होता है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे ए, ए लिखें और पानी में अगर आप देखिएगा तो पानी में क्या होगा, चेंज होगा, पानी में कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर का पोर्शन नीचे, नीचे का पोर्शन ऊपर आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दो बात आपको हम बताएं, पहला बात क्या बताएं कि अगर आपसे बोला जाएगा दर्पण में, मिरर में, मिरर मीन्स क्या, दर्पण, आईना, तो मिरर में चेंज होगा कुछ ऐसा, लेफ्ट का पोर्शन राइट, राइट का लेफ्ट, ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें क्या रहेगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, लेकिन दायां बायां लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो ये दो बातें होती हैं। अब चलिए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। पहले जो हम लोग सवाल देखते हैं वो देखते हैं मिरर, पहले जो हम लोग सवाल देखते हैं यहाँ पे, पहले जो हम लोग सवाल देखते हैं वो पहला सवाल देखते हैं मिरर इमेज का ही, वाटर इमेज भी हम लोग पढ़ेंगे मिरर कंप्लीट करने के बाद, मिरर कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल वहां पे है, देखिए दो सवाल दिया गया, पहला लिखा गया फैंटेसी और दूसरा लिखा गया वर्बल, फैंटेसी लिखा गया है और वर्बल लिखा गया है। तो इसको आपसे सवाल में पूछा गया है कि जब हम इसको मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो कैसा फिगर हमको दिखाई देगा, मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। फैंटेसी लिखा गया है और वर्बल लिखा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहला चैप्टर वन, सबसे पहले हम लोग चैप्टर वन पढ़ रहे हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में भी टाइप वन, इसमें दो टाइप हैं, तो टाइप वन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला सवाल, पहला सवाल लिखा गया फैंटेसी, देखिए लिखा गया फैंटेसी, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं साथ ही साथ, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया वर्बल, वर्बल। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, फैंटेसी लिखा गया है, और आपसे बोला गया इसको जब मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो कैसा फिगर दिखाई देगा, कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का तरीका, हम क्या बोले, पूछा गया है कि मिरर, मिरर में क्या होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म आपस में पलट जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये पूरा का पूरा टर्म पलट जाएगा, ये जो राइट वाला पोर्शन आ जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट वाला पोर्शन चला जाएगा राइट में, हर एक अल्फाबेट अपने आप में पलटेगा, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, और ये पूरा का पूरा टर्म भी पलट जाएगा, पूरा का पूरा टर्म लेफ्ट और राइट हो जाएगा। मतलब हम लोग जो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे वो हम लोग कहां से करेंगे, तो वाई से, सबसे पहले ये राइट वाला पोर्शन आ जाएगा लेफ्ट में, मतलब सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, और वाई अपने आप में ऐसे ही रहेगा, वाई अपने आप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद आ जाएगा एस, ठीक है, पलटेगा, राइट वाला पोर्शन आ जाएगा लेफ्ट में, मीन्स एस हो जाएगा कुछ ऐसा, ये देखिए राइट में है तो किधर चला जाएगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला आ जाएगा राइट में। ए, ए जो यहाँ पे हम ऐसे लिखे हैं, ए में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए तो ऐसे ही रहेगा भाई, क्योंकि राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। टी, टी भी आपका ऐसा ही रहेगा कुछ ऐसा। एन, एन को अगर देखा जाए तो एन क्या होगा, राइट वाला आ जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट वाला आ जाएगा राइट में, तो एन दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये राइट वाला आ गया लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वाला चला जाएगा राइट में, तो यहाँ पे अगर आप फिगर देखिएगा तो बनेगा कुछ ऐसा। ये राइट वाला पोर्शन आ गया कहाँ, लेफ्ट में, लेफ्ट वाला कहाँ चला गया, राइट में। उसके बाद ए जो यहाँ पे हम ए लिखे हैं, ए आपका ऐसे ही दिखेगा, ए में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एफ, एफ हो जाएगा कुछ ऐसा, एफ जो राइट साइड है किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो हम क्या बोले कि हर अल्फाबेट अपने आप में पलटेगा, हर अल्फाबेट जो है वो अपने आप में पलटेगा, और पूरा का पूरा ये जो दिया गया है वर्ड, ये पूरा का पूरा पलट जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन जिस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन को ध्यान से एक एक अल्फाबेट करके मैच कीजिएगा, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर वन में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। जैसे वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू यहाँ क्या लिखा गया, वर्बल, और वर्बल को बोला गया जब मिरर इमेज में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो हम क्या बोले
कि पूरा का पूरा अल्फाबेट पलटेगा, मतलब पूरा का पूरा वर्ड पलट जाएगा, उसके बाद हर एक अल्फाबेट को भी पलटेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले एल लिखना होगा, एल, ये एल आ जाएगा यहाँ पे। अब एल जो है तो एल भी अपने आप में पलटेगा, लेफ्ट चला जाएगा राइट में, राइट चला जाएगा लेफ्ट में। ए जो है ए तो ऐसा ही दिखेगा भाई, क्योंकि ए में कोई चेंजिंग नहीं होएगा, ए तो ऐसा ही दिखेगा। बी, बी अपने आप में क्या होगा, पलट जाएगा, बी दिखेगा ऐसा, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। आर है, आर दिखेगा ऐसा। ई जो है ई पलट जाएगा, दायां का बायां, बायां का दायां, और वी रहेगा ऐसा ही। तो देख लीजिए ऐसा जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये क्या था, तो ये था जो ये टाइप वन था मिरर इमेज का, ये टाइप वन था मिरर इमेज का, ये टाइप वन था इस टाइप का सवाल। तो उम्मीद है दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वर्ड वाला क्वेश्चन दिया जाए, इस टाइप का वर्ड दिया जाए अल्फाबेट, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा वर्ड अपने आप में पलटेगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा, और हर एक अल्फाबेट भी अपने आप में पलटेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दो सवाल काफी है आपको समझाने के लिए। अब देखिए इसी का टाइप टू देखेंगे, इसी का टाइप टू देखेंगे। अभी हम सिर्फ मिरर इमेज का ही बात कर रहे हैं, मिरर कंप्लीट करने के बाद वाटर पे आएंगे। ए से लेकर के जेड तक 26 अल्फाबेट होता है, तो 26 अल्फाबेट को आप लिखिए और लिखिए, और मिरर इमेज के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट चेंज कीजिए, और देखिए कितना अल्फाबेट ऐसा होता है जो चेंज नहीं होता है। जैसे ओ, ओ तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। जैसे ए, ए में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा अल्फाबेट होता है जो अनचेंज रहता है, पलटने के बाद भी सेम टू सेम लगेगा। तो 26 अल्फाबेट है, आप घर पे उसको प्रैक्टिस कीजिए, कितना चेंज होता है कितना चेंज नहीं होता है मिरर के अकॉर्डिंग, उसके बाद वाटर के अकॉर्डिंग। अब इसी का देखिए यहाँ पे टाइप टू, इसी का टाइप टू हम लोग पढ़ रहे हैं मिरर इमेज का। और टाइप टू में क्या होता है, तो फिगर दिया रहता है। इसी में क्या होता है कि फिगर दिया रहता है, जैसे इसको हम लोग मिटाते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गया है। चैप्टर वन टाइप टू, क्वेश्चन नंबर वन नंबर में यहां पे जो फिगर बना हुआ है, तो हम सिर्फ फिगर बनाएंगे और आंसर क्वेश्चन बनाएंगे और आंसर बनाएंगे, ऑप्शन यहां पे हम नहीं बनाएंगे। ऑप्शन बनाने में, सारा फिगर बनाने में काफी टाइम लगेगा। ऑप्शन तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। देखिए ये क्या है, तो ये क्वेश्चन फिगर है। अब इसका आंसर वाला फिगर जो होगा, वो आंसर वाला फिगर कैसा होगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू। के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, नॉन वर्बल एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर 25 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछा जा रहा है, तो पांच सवाल तो बिल्कुल है, चार पांच सवाल आपसे नॉन वर्बल का पूछा जाएगा। और बहुत बच्चा हड़बड़ी में क्या करते हैं, गलत टिक कर देते हैं इतना आसान होने के बाद भी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि गलत नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे, चारों ऑप्शन देख करके आंसर टिक किया कीजिए। देखिए यहाँ पे तीन सवाल हम लिखे हैं और तीनों का आंसर आपको सॉल्व करके बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर वाला फिगर कैसा बनेगा। तो आपको एग्जाम में बनाना नहीं रहता है, चार ऑप्शन दिया रहता है, देख के टिक करना होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर वाला फिगर होगा, इसका वाला जो आंसर वाला फिगर होगा, तो आंसर वाला फिगर बनेगा कुछ ऐसा, आंसर वाला फिगर बनेगा ऐसा। तो हम क्या बोले, कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे का पोर्शन तो नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर रहता है, सिर्फ दायां का बायां, बायां का दायां, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में बदलता है, और कुछ इसमें करना ही नहीं है, और कुछ तो करना ही नहीं है। ये जो लाइनिंग नीचे है वो लाइनिंग तो नीचे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बॉटम का बॉटम, टॉप का टॉप रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है।
सिर्फ ये जो लाइन जो है राइट साइड में आया, ये लाइन कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसका फिगर बनेगा कुछ ऐसा, ये आपका हो गया आंसर फिगर। आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर टू फिगर ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो भाई इसका आंसर आप ऑप्शन में देख के ही समझ पा रहे होंगे, फिर भी हम यहां फिगर बना देते हैं। फिगर बनेगा इसका कुछ ऐसा, फिगर बनेगा ऐसा। क्या है, हमेशा बीचों बीच लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, बीचों बीच, बीचों बीच है ये राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट चला जाएगा, ये राइट वाला पोर्शन लेफ्ट और लेफ्ट वाला कहां चला जाएगा, राइट। मतलब ये जो आपका राइट में है कहां चला जाएगा, लेफ्ट में, ये लाइन आ जाएगा लेफ्ट में, और ये जो राइट में है कहां चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, राइट वाला पोर्शन चला जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट वाला पोर्शन चला जाएगा राइट में, बस इतना ही करना है, और ऊपर का पोर्शन ऊपर, नीचे का नीचे रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला फिगर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है ये आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री का देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो बिल्कुल सिंपल, ऊपर का भाग ऊपर रहेगा, नीचे का भाग नीचे, बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये जो लेफ्ट में है चला जाएगा राइट में और राइट वाला चला जाएगा लेफ्ट में। फिगर बनेगा कुछ ऐसा, ये पोर्शन आ जाएगा आपका राइट में, ये चला जाएगा लेफ्ट में। अब ये जो राइट में है किधर आ गया, लेफ्ट में, तो इसको आप डार्क कर दीजिए, ये जो राइट में था लेफ्ट में आ जाएगा, इसको क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ये सब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, ये सब कुछ क्वेश्चन सिखाने के लिए है। यहाँ पे आपको हम तीन सवाल बता दिए, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम फिगर रहेगा, नीचे का पोर्शन नीचे और सिर्फ क्या होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा जिस ऑप्शन में दिखा वो आप टिक कर लीजिए। सिंपल सा सवाल है, फिगर बनाएं और क्या करना है, बस राइट का पोर्शन चला जाएगा लेफ्ट में, राइट का आ गया लेफ्ट में, और ऊपर का भाग ऊपर रहेगा, नीचे का भाग नीचे रहेगा, जैसा कि मिरर में होता है। आप लोग घर के सामने, आप लोग के घर में मिरर होगा, आप लोग वहां पे खड़े होकर के देख सकते हैं कि दायां बायां पलटता है, ऊपर नीचे पलटता नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे, राइट का आ गया लेफ्ट में, लेफ्ट का चला गया राइट में, ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे रहेगा। तो ये क्या था, तो ये मिरर इमेज से रिलेटेड था, मिरर इमेज, ठीक है। अब हम लोग अगला चैप्टर पे आते हैं, अगला चैप्टर मिरर इमेज में हम लोग दो टाइप पढ़े हैं, एक टाइप पढ़े अल्फाबेट वाला और दूसरा टाइप पढ़े फिगर वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज, और वाटर इमेज में भी हम लोग दोनों टाइप का पढ़ेंगे। इसको हम लोग मिटाते हैं, वाटर इमेज पे आ जाइए, जिसको हम लोग बोलेंगे चैप्टर टू। वाटर इमेज यहीं पे लिख देते हैं, ये दूसरा चैप्टर है वाटर इमेज का। अब वाटर इमेज के बारे में जान लीजिए, वाटर इमेज के बारे में जान लीजिए कि यहां पे आपसे इसमें भी टाइप वन और टाइप टू है। तो इसमें सबसे हम पहले पढ़ेंगे टाइप वन, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टाइप वन पढ़ेंगे। टाइप वन में क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है, टाइप वन में ये क्वेश्चन लिखा गया है, और आपसे बोला गया है कि इसको जब पानी में देखेंगे, इसको जब पानी में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा वो आपको बताना है। पानी में जब इसको देखा जाए तो कैसा फिगर दिखाई देगा वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर वन। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर टू भी है, टू में क्या है, तो बी के फाइव ओ आर पी सिक्स और टू, कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है, कुछ ऐसा दिया गया है। तो अभी आपको हम बताएं कि वाटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, वाटर का प्रॉपर्टी होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखेगा, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप दिखेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट बिल्कुल फिक्स होता है, राइट वाला राइट में दिखेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट और राइट बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है,
सेम इसी प्रॉपर्टी पे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या बोले, यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे राइट का पोर्शन लेफ्ट और लेफ्ट का पोर्शन राइट नहीं जाएगा, यहां पे सिर्फ ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर जाता है, बस ये क्या होगा पलट जाएगा, ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर, ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर, ये सिर्फ ऐसे पलटेगा, सिर्फ ऐसे पलटेगा, बिल्कुल इस फिगर के तरह पलट देना और कुछ नहीं करना है। मतलब जो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे, तो स्टार्ट क्यू से ही करेंगे, स्टार्ट क्यू से ही करना है, क्योंकि यहां पे लेफ्ट राइट नहीं चेंज होता है, सिर्फ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ध्यान रखिएगा ये वाटर इमेज हम लोग पढ़ रहे हैं। पर देखिए ये वाला जो नीचे है, ठीक है, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे का कहां चला गया, ऊपर, लेकिन ये अगर राइट साइड में पूछे तो राइट साइड में ही रखिएगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट आपस में नहीं बदलता है। तो ऑप्शन देख के आप यहां पे आंसर टेक कर सकते हैं, ऑप्शन में देख लीजिए, जिस ऑप्शन में क्यू ऐसा दिखा वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको सॉल्व करना है तो कीजिए, यू जो होगा यू कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ई का फिगर क्या होगा, ई का फिगर ऐसा ही होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और एस का फिगर क्या होगा, तो एस का फिगर आप देख सकते हैं, एस का फिगर ऐसा होगा, ये फिगर आ जाएगा ऐसे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, टी जो होगा टी ऐसा बनेगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आई जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ओ तो ऐसा ही रहेगा, एन में क्या चेंजिंग आएगा, ये जो नीचे का पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे का चला जाएगा ऊपर, और ऊपर का कहाँ आ जाएगा, ऊपर का आ जाएगा नीचे, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है, ये आपका आंसर होगा। तो एग्जाम में ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बस एक दो अल्फाबेट मैच कीजिए कि किसमें ऐसा नहीं दिखा, जिसमें दिखा वो आंसर हो जाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू लिखा गया है तो इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या बोलें, बस सिर्फ नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, तो यहाँ फिगर हो जाएगा कुछ ऐसा। बी तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, के में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसके बाद आप देख रहे हैं फाइव, तो फाइव में चेंजिंग आ जाएगा, फाइव में हो जाएगा फिगर कुछ ऐसा, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ओ में देखा जाए तो कोई चेंजिंग नहीं कुछ ऐसे, आर देखा जाए तो हो जाएगा ऐसा, आर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, पी हो जाएगा ऐसे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और ये सिक्स है तो सिक्स हो जाएगा कुछ ऐसा, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, और टू जो है नीचे का कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा, टू हो जाएगा कुछ ऐसा। तो देख लीजिए इस टाइप से किसमें ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका हो जाना है आंसर। तो ये क्या है, तो ये वाटर वाला क्वेश्चन है, वाटर वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ ऐसे, वाटर इमेज, वाटर वाले में कोई बोल रहे हैं, वाटर वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एन ऐसा ही होगा। रितु कुमारी का कहना है सर एन ऐसा ही होगा, वाटर इमेज, एन वाटर इमेज में चेंज होगा, वाटर इमेज में कोई एन के बारे में बोल रहे हैं, तो भाई एन यहां पे देखिए एन कैसा है, एन यहां पे ऐसे है, एन को जब आप पलटिएगा, एन को जब आप पलटिएगा तो ऐसे दिखेगा ना, ये ऊपर का पोर्शन कहां चला जाएगा, नीचे, और ये नीचे का पोर्शन कहां चला जाएगा, ऊपर, फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, तो एन चेंज होगा, एन जो है वो चेंज होकर के ऐसा दिखेगा वाटर में। ध्यान से देखिए हम क्या बोले, ऊपर का पोर्शन आ जाएगा नीचे, और नीचे का पोर्शन चला जाएगा ऊपर, नीचे का आ गया ऊपर, नीचे का चला जाएगा ऊपर, ऊपर का चला जाएगा नीचे, एन चेंज होगा। आप लोग घर पे ए से लेकर के जेड तक लिखिए और उसको सब चेंज कीजिए, एक बार उसको चेंज कीजिए मिरर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि मिरर में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा, और एक बार उसको चेंज कीजिए वाटर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि वाटर में क्या होगा, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। अब इसी का हम लोग टाइप टू देखेंगे, इसी का वाटर का ही हम लोग टाइप टू देखेंगे। चलिए वाटर का टाइप टू में यहाँ पे सवाल दिया गया है, यहाँ पे वाटर का टाइप टू में तीन सवाल दिया गया है भाई, तीन सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर वन, और ये इमेज वाला ज़्यादा पूछा जाता है, अल्फाबेट से ज़्यादा इमेज वाला जो अभी आपको हम बता रहे हैं, इमेज वाला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है।
तीन चार सवाल करके टॉपिक में है वो आपको समझाने के लिए, बाद बाकी आप सीख जाने के लिए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन काफ़ी है। उसके बाद आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट बनाते टाइम मिलता है सवाल, तो ये सब सॉल्व कीजिए बनाइए, ये सब स्कोरिंग चीज़ है, नन वर्बल बन जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से एग्जाम में टिक कीजिएगा, चारों ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर टिक कीजिएगा। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे अब हम बनाएंगे आंसर। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, पहला ऑप्शन देख के टिक कर देता है, बाद में पता चला गलत हो गया, नहीं, चारों ऑप्शन देख करके ही आंसर टिक कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आपको सबसे अधिक स्कोर देता है, एसएससी और रेलवे में तो खास करके आपको अधिक स्कोर देगा, बस थोड़ा सा रीजनिंग को लाइटली ना लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें रीजनिंग। बहुत विद्यार्थी को लगता है रीजनिंग तो बिल्कुल इजी होता है, बन जाता है, पर उसमें भी आप तीन चार सवाल पता चला गलत करके आ गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। रीजनिंग 25 सवाल मिला तो कम से कम 24 आपका सही होना चाहिए, कम से कम 24 सही होना चाहिए, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके लिए रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सेट अगर आप बनाते हैं तो सेट में भी रीजनिंग मिले तो उसको स्किप मत कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारा सीरीज और बहुत सारा मिसिंग वन ऐसा होता है जो बच्चा से नहीं बनता है, तो उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को, किसी भी सेक्शन को हल्के में ना लें, उस पर थोड़ा सा फोकस करें और थोड़ा ध्यान दें। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन फिगर है, इसका बोला गया इसको जब वाटर में देखेंगे, पानी में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। अभी आपको वाटर का हम क्या बताएं, तो वाटर का अल्फाबेट वाला बताएं, वर्ड वाला बताएं। अब क्या इमेज वाला, तो इमेज ऐसा है, इसको वाटर में देखेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा। बुक में अगर देखा जाए तो ज्यादा सवाल है, पर इसमें हम 3 ही सवाल लिए हैं। बुक में देखा जाए तो 5 सवाल है, पर हम 3 ही सवाल लिए हैं, क्योंकि 3 सवाल आप सीख गए मतलब 5 सवाल सीख गए मतलब सारा सवाल सीख गए। सिर्फ लॉजिक यहाँ पकड़ना है कि होता काम क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिए हम क्या बोले, बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा और कुछ होगा ही नहीं, पूरा का पूरा फिगर ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, और हर पार्ट अपने आप में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा। ये ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, पर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ही रहेगा, राइट है तो राइट ही रहेगा, ऊपर आके वाला नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इस साइड है तो यहीं साइड रहेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी को पकड़ना है। अब ये ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये ऊपर है तो आ जाएगा नीचे कुछ ऐसा, ये पूरा का पूरा डंडी पलटेगा तो ऊपर कुछ ऐसा, तो ये आपको नीचे ऐसा दिखेगा, ऊपर ऐसा दिखेगा, जिस ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये ऊपर था, कहाँ चला गया, नीचे, ये नीचे था कहां चला गया, ऊपर, फिगर कुछ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ये बनाए हम फिगर, कॉर्नर में जो बॉक्स है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि वो बॉक्स भी पलट चुका है, पलटेगा तो क्या होगा, ये नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, ये नीचे वाला बॉक्स जो है पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे, मतलब ये फिगर जो बनेगा, ये फिगर बन जाएगा कुछ ऐसा, ये नीचे वाला पोर्शन चला गया है ऊपर, और ऊपर वाला पोर्शन आ गया है नीचे। अब ये नीचे वाला पोर्शन चला गया ऊपर, लेकिन लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा, राइट का राइट रहेगा, तो फिगर बनेगा कुछ ऐसा। देखिए किसमें ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, ये फिगर, इसका आंसर फिगर क्या होगा, तो डायरेक्ट हम यहां पर आंसर फिगर बना रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर फिगर बना रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है तो आंसर फिगर क्या होगा। भाई आपको एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, चार ऑप्शन दिया रहता है, चारों ऑप्शन को बारीकी से ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिए, उसमें आप 30 सेकेंड का टाइम दीजिए, उसके बाद आंसर टिक कीजिए। ऊपर का पोर्शन जो है वो आ जाएगा नीचे,
ऊपर वाला है कहाँ आ जाएगा, नीचे। ऊपर वाला है कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, ऊपर का पोर्शन आ गया नीचे, नीचे का पोर्शन चला जाएगा ऊपर, नीचे का पोर्शन आ गया ऊपर। लेकिन बस ध्यान रखेंगे कि राइट वाला पोर्शन राइट ही रहेगा, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट ही रहेगा, बस नीचे का ऊपर और ऊपर का कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि वाटर में होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ये 90 डिग्री है, ये चला जाएगा ऊपर और ऊपर का ये आ जाएगा नीचे, गोल वाला कुछ ऐसा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा, ये आपका क्या होगा आंसर। तो उम्मीद है आपको मिरर वाला सवाल और वाटर वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तो वाटर का सवाल बनता है कुछ ऐसे, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको ध्यान से देख करके सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद फिर अगला टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे अंकित सिन्हा का कहना है ये क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं सेम ऐसा सेट में भी मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलेगा ही, क्योंकि जो सवाल पढ़ाते हैं उस टाइप का है, तो एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी पैटर्न का हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नन वर्बल में हम लोग दो टॉपिक पढ़ें, पहला चैप्टर क्या पढ़ें, पहला हम लोग जो पढ़ें वो पढ़ें मिरर वाला, दर्पण वाला। कि दर्पण वाला में दो टाइप पढ़ें, एक पढ़ें हम लोग वर्ड वाला, एक पढ़ें इमेज वाला। उसके बाद हम लोग वाटर में पढ़े, वाटर में दो टाइप पढ़े, एक टाइप पढ़े वर्ड वाला और ये दूसरा टाइप पढ़े हम लोग इमेज वाला। अब हम लोग इसके बाद तीसरा चैप्टर पे आते हैं, तीसरा चैप्टर का नाम है इम्बेडेड फिगर। इम्बेडेड फिगर मतलब होता है छिपा हुआ चित्र ढूंढना। इम्बेडेड फिगर पे आते हैं। चैप्टर थ्री इसमें क्या है, एम्बेडेड फिगर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, फिगर बना हुआ है कुछ ऐसा। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, ये क्वेश्चन फिगर है, इसका डायरेक्ट हम आंसर फिगर बनाएंगे। वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए ये वन टू थ्री तीन क्वेश्चन है इम्बेडेड फिगर, इसका नाम हम क्या बोले, इम्बेडेड फिगर। Embedded figure मतलब होता है छिपा हुआ चित्र को ढूंढना। Embedded figure मतलब होता है छिपा हुआ चित्र को ढूंढना, मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिया होगा और चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना होता है कि सेम टू सेम ऐसा वाला फिगर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका ए और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन देखिए ऐसा दिया रहेगा, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, और फिर ये ऑप्शन नंबर सी है। ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ, आपसे बोला जाएगा ये सेम टू सेम फिगर कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है बताइए, वही आंसर होगा। तो यहां पे ये जो फिगर बना है ऐसा सेम टू सेम कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ता है कि आप फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसको इरेज जरूर कर सकते हैं, इसको आप मिटाइए, इसको आप साइड साइड का पार्ट मिटा के देखिए ऐसा फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बनेगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखिए, आप साइड से अगर आप इरेज करते हैं, इसको मिटा दिया, एक्स्ट्रा पार्ट मिटा दिया, ऐसा बना फिगर क्या, नहीं बना,
क्यों नहीं बना? क्योंकि ये बीच का क्या है, ये बीच का कर्व है, जबकि ये बीच का स्ट्रेट है, मतलब ये वाला नहीं चलेगा। फिर जाके ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी में भी अगर आप इसको इरेज कर दीजिएगा तो यहाँ का लाइन कैसे कर्व करके दिया हुआ, ऐसा सेम टू सेम नहीं दिखा, ये भी गलत हो जाएगा। पर बी नंबर देखिए, बी नंबर में ऐसा फिगर आपको दिख रहा है, आप साइड से क्या कीजिए, इसको आप मिटा दीजिए साइड से, जैसे हम लोग इसको मिटा दिए हैं, यहाँ एक्स्ट्रा मिटा दिए हैं, तो ऐसा फिगर सेम टू सेम बन गया ना, तो बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा आंसर। तो इसी को बोलते हैं एम्बेडेड फिगर, छिपा हुआ चित्र ढूंढना, मतलब क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है वो कौन से ऑप्शन में है वो आपको ढूंढ के बताना होता है, वो आपका आंसर होता है। चलिए एम्बेडेड फिगर, अब क्वेश्चन नंबर वन जो है, देखिए इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हम बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी नंबर ऑप्शन में ही ये वाला फिगर छिपा हुआ है, हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी बना रहे हैं। आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, आप देख करके भी समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में ही क्यों दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हम बना दिए डायरेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो फिगर बना हुआ, वो फिगर बना हुआ ऐसा, तो हम क्या बोले, आप इसको साइड से इरेज कीजिए, मिटाइए, आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मिटा करके ऐसा फिगर ला सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, और किसी में भी नहीं दिख रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट को देखिएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई देगा सिर्फ। कैसे? इस फिगर को आप इरेज कीजिएगा तो ऐसा फिगर दिखाई देगा, इरेज कीजिए, यहाँ से ऐसे मिटाएं, इसको ऐसे मिटाया, नीचे वाला पोर्शन को भी ऐसे मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया, यहाँ पे भी अगर आप मिटाइएगा, यहाँ पे भी अगर आप मिटाइएगा, तो ये मिट गया कुछ ऐसा। देखिए किसमें देखा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू जो है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सी के अलावा और किसी में दिखेगा ही नहीं, इसका डायरेक्ट हम आंसर फिगर बना रहे हैं। देखिए सी में जो फिगर बना हुआ है, सी में जो फिगर बना हुआ है, वो फिगर बना हुआ है कुछ ऐसा, देखिए ऑप्शन नंबर सी का फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि इस फिगर को अगर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं, तो हमको ऐसा वाला फिगर दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो बिल्कुल दिखेगा, और इसके अलावा किसी में नहीं दिखेगा। मिटाना स्टार्ट कीजिए, यहां से हम मिटाते हैं, इसको कुछ मिटाया ऐसे, इधर से मिटा दिए हैं, यहाँ से भी आप इसको ऐसे इरेज कर सकते हैं, यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं, इसको इरेज कर दीजिए, देखिए ऐसा फिगर आपको सेम टू सेम दिखा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है उसको छांटना सीखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री आप जरा देख करके बताइए, तो क्वेश्चन नंबर थ्री कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल ध्यान से देख करके आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपके स्क्रीन पे है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का देख करके थोड़ा बताइए, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर थ्री का। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है उसको थोड़ा सा छांटना सीखिए, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री का ए कभी आंसर होगा क्या? ए तो बिल्कुल नहीं होगा, छट गया। ऑप्शन नंबर बी को भी आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी को भी आप इरेज करके वैसा वाला फिगर नहीं बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी तो है बिल्कुल वैसा ही पर थोड़ा सा अंतर है जो उससे कभी नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी को अगर आप इरेज कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप इरेज कीजिएगा, तो वो क्वेश्चन वाला फिगर जैसा बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ बहुत सारे लोग आंसर सी दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, बहुत लोग का आंसर सी आ गया है, चलिए ठीक है। कोई बोल रहे हैं सर आंसर डी, आंसर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, देखिए डी कहां दिख रहा है सेम टू सेम फिगर जैसा, डी का लाइन बीच में कितना टेढ़ा है, मोटा टाइप का दिया गया है, डी नंबर कभी नहीं होगा। आंसर सी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, सी वाले बिल्कुल सही है,
सी वाला जो फिगर यहाँ पे दिया गया है, सी का फिगर आप बनाइए कॉपी में, उसके बाद आप उसको इरेज कीजिए, देखिएगा आपको ऐसा फिगर बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा फिगर बनता हुआ दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर पे आते हैं, अगला टॉपिक पे। एम्बेडेड फिगर आप लोग सीख गए होंगे कि एम्बेडेड फिगर होता क्या है। इसके बाद अगला चैप्टर पे आ जाइए। जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा तो छांटना सीखिए। छांटना क्या सीखना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, नहीं होने वाला तीन ऑप्शन अगर आप छांट देते हैं तो होने वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है। इसके बाद अगला चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फोर में क्या है, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मतलब चित्र को पूरा करना। कंप्लीशन ऑफ फिगर, चित्र को पूरा करना, अधूरा चित्र को पूरा करना, दो सवाल यहां पे हम लिखेंगे सिर्फ। ठीक है तो तीन चार सवाल, पांच सवाल, पर यहां दो सवाल लिख रहे हैं जो काफी है। क्वेश्चन नंबर वन, पहला सवाल कुछ ऐसा है, यहां पे ये चित्र है और इसमें क्या है, चार बॉक्स है, चार बॉक्स में तीन बॉक्स का फिगर पूरा कंप्लीट है, पर एक्स एक बॉक्स का क्या है, तो एक बॉक्स का खाली है। आपको बताना है कि वहां पे कौन सा वाला ऑप्शन को रखने पे बिल्कुल फिट दिखाई देगा। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन फिगर है, तो ये क्या है, चार टुकड़ा है, चार टुकड़ा में एक टुकड़ा गायब है और वहीं पे ऑप्शन जो दिया गया है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए वहां पे चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन दिया गया है, आप कौन सा टुकड़ा को यहां पे रखिएगा जो ये पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। आप यहां पे बारी बारी से ऑप्शन को पुट करके देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए को अगर आप यहां पे रखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को रखिएगा, तो देखिए कभी इस फिगर को पूरा कर पाएगा क्या, मतलब यहां का जो फिगर है ऐसा बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को अगर आप रखते हैं तो कभी नहीं पूरा होगा, ऑप्शन नंबर बी को भी अगर आप पुट कीजिएगा तो ये फिगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सी को भी अगर आप रखते हैं तो कभी पॉसिबल नहीं है, डी को भी रखिएगा तो भी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ई में बनेगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। देखिए ऑप्शन नंबर ई क्यों, ऑप्शन नंबर ई का फिगर यहां पे आप बनाइए, ऑप्शन नंबर ई का फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसे, सबसे पहले ये लाइन है, उसके बाद फिगर ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया और ये वाला फिगर ऐसे मैच होगा, तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आप लोग खुद बताइए। क्वेश्चन नंबर टू जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर टू हम बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आप लोग खुद से देखिए कि जो क्वेश्चन फिगर है तो कौन सा ऑप्शन वाला फिगर वहां पे हम लोग रखेंगे जो पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, चार बॉक्स है, चार बॉक्स में तीन बॉक्स फिल है, एक बॉक्स खाली है, तो ऑप्शन जो पांच दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन हम रखेंगे जो पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कुछ लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। आप इमेजिन कीजिए ऑप्शन नंबर सी को आप वहां पे पुट कीजिएगा तो देखिए पूरा का पूरा फिगर आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, टू का सी, ठीक है, सब लोग का आंसर आ रहा है। ऋतु कुमारी, अंकित कुमार, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, दिनेश मंडल, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू का सी। तो हम टू नंबर का फिगर नहीं बनाते हैं, टू का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो ऐसे इस चैप्टर में क्या है कि कोई भी फिगर दिया रहेगा, एक
कोना गायब रहेगा, कौन सा ऑप्शन पुट कीजिएगा जो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, वही आपको देख के बनाना होता है। तो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, चैप्टर मुश्किल नहीं था। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं, अगला चैप्टर चैप्टर 5। अगला चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या है, तो चैप्टर 5 में है सिंप्लीफिक, ठीक है, इसमें क्या है क्लासिफिकेशन। चैप्टर 5 में है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, और ये वर्गीकरण करने वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सवाल एग्जाम में अधिक पूछा जाता है। अगर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना मतलब छांटना। जैसे यहां पे 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल अलग है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए यहां पे सवाल आ चुका है, आप जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर होगा। वन के बाद क्वेश्चन नंबर 2, कुछ लोगों का आंसर आ पाया है क्या? ठीक है, देखिए बहुत लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 सवाल आपके सामने हैं, ये 3 सवाल, एक चौथा सवाल भी है। 3 सवाल यहाँ पे आपको सामने हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है एक बिल्कुल अलग है। क्लासिफिकेशन मतलब छांटना, मतलब 4 ऑप्शन सिमिलर दिखेगा पैटर्न पे, एक अलग दिखेगा, तो वही अलग वाला छांटना है। 4 ऑप्शन सिमिलर दिखेगा, एक अलग दिखेगा, जो बिल्कुल अलग है उसी को छांटना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लॉजिक है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग जानते होंगे कि क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। तो यहां पे आप देखिएगा तो ये क्या घूम रहा है, ये जो घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज देखिए घड़ी के दिशा में घूम रहा है, घड़ी के दिशा में इधर चलेगा तो 12 1 2 3 4 5, ये जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये भी आप देखिएगा तो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको भी अगर आप देखिएगा तो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में घूम रहा है, घड़ी के दिशा में, जैसे घड़ी चलती है वैसा क्लॉकवाइज। ये भी अगर आप देखिएगा तो क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है। पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, उल्टा घूम रहा है, देखिए ये उल्टा है,
ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, 12, 11, 10, 9 ऐसे उल्टा चल रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब देखिए जरा ऑप्शन नंबर सी कितने लोग बोले थे, ऑप्शन नंबर सी अंकित, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वन का ई, वन का ई, बहुत लोग वन का ई बोल दिए हैं, वन का ई तो गलत हो जाएगा, वन का ई बहुत लोग बोल चुके हैं, वन का ई गलत हो जाएगा, वन नंबर का जो सी बोले हैं वही सही होगा, क्योंकि ई बहुत लोग बोल दिए हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि ये सारा लाइन ठीक है पर ये लाइन बहुत ज्यादा कर्व है तो गलत हो जाएगा, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, बहुत ज्यादा कर्व नहीं, पैटर्न देखिए, पैटर्न कि पैटर्न क्लॉकवाइज घूम रहा है पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बहुत लोग सी भी बोले थे, कुछ लोग ई भी बोल दिए थे। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, क्वेश्चन नंबर टू का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा ए नंबर, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा ए। ऐसा क्यों? अब यहां पे देखिए, ये एक ही बेस पे तीनों का तीनों लाइन बना है, एक ही बेस पे तीनों का तीनों लाइन बना, ये एक ही बेस एक ही आधार पे सारा का सारा लाइन खींचा गया है, यहां पे एक ही आधार पे एक ही बेस पे सारा का सारा लाइन खींचा गया, यहां पे एक ही बेस पे सारा का सारा फिगर सारा का सारा लाइन खींचा गया है, पर यहां पे दो अलग अलग बेस है, आप इधर भी बेस लेकर के देखिए, यहां पे लाइन खींचा गया है और इधर से भी आपको बेस लेना पड़ेगा तभी ये वाला लाइन आपको दिखेगा, तो दो अलग अलग बेस है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा लॉजिक लगाया है तो कोई लॉजिक नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत है। तो टू का आंसर हो जाएगा ए नंबर, टू का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब टू का देखिए ए नंबर कितने लोग बोले थे, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू का ए, हाँ टू का ए सही है, बहुत लोग टू का ए बोले हैं। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए क्या लॉजिक, क्वेश्चन नंबर थ्री कौन सा ऑप्शन एक अलग होगा, बिल्कुल अलग वाला ढूंढना है, क्लासिफिकेशन मतलब छांटना, वर्गीकरण करना, इसमें क्या है तो देखिए सब में तो लाइन पांच ही है पर इसमें क्या है कि दो पूंछ देखिए ऊपर है, एक पूंछ नीचे की ओर, क्या दिखा, दो पूंछ ऊपर एक पूंछ नीचे, इसमें भी देखिए दो पूंछ ऊपर एक पूंछ नीचे, इसमें भी दो पूंछ ऊपर एक पूंछ नीचे, इसमें भी दो पूंछ ऊपर एक पूंछ नीचे, पर इसमें क्या है तीनों का तीनों पूंछ देखिए ऊपर है, इसमें तीनों का तीनों पूंछ क्या है ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अलग टाइप का दिखा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर दो देखिए, दो का फेस लेफ्ट है एक का राइट है, दो का लेफ्ट है एक का राइट है, इधर लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है राइट है, पर यहां पे एक ही लेफ्ट है दो राइट है, तो फिर भी ई है आंसर होना है, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा। इसी का एक और सवाल देखिए, इसमें एक सवाल और है, इसमें एक सवाल और है, फोर नंबर, इसी में एक फोर नंबर का सवाल है, तो फोर नंबर का सवाल क्या है कुछ ऐसा, एक दो तीन चार और ये पांचवा, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर फोर में इसमें क्या लॉजिक, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और ई, इसमें कौन सा अलग होगा ये आपको चुनना है, कौन सा अलग होगा ये आपको चुनना है, ये आपको बताना है। तब देखिए यहां पे क्या लॉजिक वर्क कर रहा है, जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया उसमें देखिए क्या लॉजिक वर्क कर रहा है, तो यहां समझिए, सबको पता है ये कहलाता है ईस्ट डायरेक्शन, ये कहलाता है वेस्ट डायरेक्शन, ये कहलाता है नॉर्थ और ये क्या कहलाता है साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहां पे देखिए इसका फेस जो खुला हुआ है, फेस किधर खुला हुआ है, तो इसका फेस खुला हुआ है ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, इसका फेस खुला हुआ है वेस्ट की ओर, इसका फेस खुला हुआ है नॉर्थ की ओर, इसका फेस खुला हुआ है दक्षिण की ओर, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा दिखा। यहां पे भी आप देखिए इसका फेस खुला हुआ ईस्ट तरफ और ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये देखिए पूरब की ओर और ये देखिए वेस्ट पश्चिम की ओर, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, यहाँ भी देखते हैं ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, कुछ ऐसा, ठीक, सब में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखा, पर इसमें देखिए इसमें ये क्या है ईस्ट और ये भी क्या है ईस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ और ये क्या हो गया साउथ, तो इसमें क्या दिख रहा है अलग दिख रहा है,
क्योंकि ईस्ट है ये वेस्ट होना चाहिए पर ये भी ईस्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको अलग दिखा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चार सवाल काफी है सीखने के लिए कि क्लासिफिकेशन मीन्स होता है क्या है। तो क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना मतलब एक अलग ऑप्शन जो दिख रहा है उसको छांटना। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं, और अगला टॉपिक आप लोग के जो सामने है, अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक का नाम है पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग। पेपर कटिंग करना, पेपर फोल्डिंग करना, और पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि नॉन वर्बल का एक चैप्टर है, पेपर कटिंग करना, पेपर फोल्डिंग करना। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग ये हम लोग बोल सकते हैं कि अगला चैप्टर आ गया, ठीक है। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग, देखिए पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग में यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, टोटल चार सवाल दिया गया है, टोटल चार सवाल है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम समझा दें, मतलब एक पेपर है, जैसे सवाल क्या रहता है तो एक पेपर है, कभी स्क्वायर पेपर रहेगा, कभी रेक्टेंगल रहेगा, कभी सर्कल गोल पेपर रहेगा, पेपर किसी टाइप का भी दे सकता है पर मैक्सिमम टाइम स्क्वायर ही पेपर देता है, स्क्वायर पेपर है, ठीक है। इसको बोला जाएगा फोल्ड किया जाए, इसको ऊपर से आप फोल्ड कर दीजिए, जहाँ से फोल्ड किया जाएगा ऐसे डॉट 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 ऐसा वाला दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा इसका मतलब होता है। और अगर ऐसे एरो बना दिया तो इसका मतलब हुआ कि इस जगह से वो इसको फोल्ड कर रहा है, ये जो ऐसे लाइन देगा इसका मतलब होगा कि इस जगह से इसको ऐसे फोल्ड कर रहा है, इसको आप फोल्ड कीजिएगा तो फिगर बन जाएगा, पेपर आ जाएगा कुछ ऐसा, क्यों, क्यों भाई यहाँ से हम इसको फोल्ड कर दिए, ये आ गया था। अब यहाँ पे इसमें कभी एक होल कर दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया, यहाँ पे दो होल कर दिया, ऐसा दिया रहेगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा ये और ये। अब आपसे बोला जाएगा कि इसको जब हम खोलेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा, इसको खोलने के बाद कैसा ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा आपको एक ऑप्शन सही वाला टिक करना है। तो भाई इसको जब आप खोलिएगा तो इमेजिन कीजिए, इसको जब आप खोलिएगा तो कैसा दिखेगा, इसको जब आप खोलिएगा तो ऐसा दिखेगा, मीन्स यहाँ से लॉक था, यहाँ पे दो सर्कल था, यहाँ दो सर्कल था, इसको जब आप ऊपर की ओर खोलिएगा तो यही दो सर्कल का फिगर यहाँ बन जाएगा ना, यही दो सर्कल का फिगर बन जाएगा, तो फिगर दिखेगा कुछ ऐसा, मतलब दो होल जो नीचे था
इसको आप वापस ऊपर की ओर खोलिएगा, इसको जब वापस ऊपर के खोलिएगा तो यही दो फिगर कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, तो दो का चार हो जाएगा, फिगर ऐसा बनेगा। ऐसा जिस ऑप्शन में देखिएगा उसी को टिक कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का ये सवाल है, पेपर कटिंग बोलते हैं कि फोल्डिंग किया फिर कटिंग कर दिया और खोलने के बाद कैसा फिगर दिखाई देगा ये आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन, वन में इंस्ट्रक्शन में दिया फिगर कुछ ऐसा, ये डॉट डॉट दिया मीन्स यहां से ये फोल्ड हुआ और फोल्ड होगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, तो ये वाला पोर्शन फोल्ड हो गया है, ये वाला पोर्शन फोल्ड होके आ गया कुछ इस पे, ये पोर्शन फोल्ड होके कुछ ऐसे आ गया, ऐसे कॉर्नर मुड़ गया, यहाँ देखिए दिखा एक कॉर्नर यहाँ मुड़ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है मुड़ गया, फिगर ऐसा बनेगा, ये ऑलरेडी मुड़ चुका है। अब यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी मेरा मुड़ा हुआ ही था ही, ये पोर्शन मुड़ा हुआ था ही, उसके बाद क्या हुआ कि यहां से हम इसको ऐसे मोड़ दिए तो ये वाला फिगर आके टकरा गया यहाँ पे, ये वाला फिगर टकरा गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे दो होल कर दिया, दो ट्रायंगल बना दिया है। अब बोला जाएगा इसको जब हम खोलेंगे तो कैसा फिगर दिखाई देगा, तो इसको जब आप खोलिएगा तो आपको आंसर वाला फिगर डायरेक्ट हम बना रहे हैं, देखिए फिगर जो खोलने के बाद ऐसा दिखाई देगा, इसको जैसे आप खोलिएगा तो फिगर दिखेगा कुछ ऐसा, इसको जैसे खोलिएगा तो फिगर दिखेगा कुछ ऐसा, समझिए जैसे फोल्ड किए हैं वैसे ही खोलेंगे, सबसे पहले अंतिम में यहां से फोल्ड किए थे तो इसको जैसे आप इधर खोलिएगा ये इधर आके टकराएगा तो ये दोनों फिगर यहां पे बन जाएगा, ये दो ट्रायंगल जो आपका बना हुआ है ऐसे खोलिएगा तो ये दोनों ट्रायंगल कहां पे बन जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल बनेगा यहां पे, और वापस ये वाला पोर्शन यहां पे जो लाए थे ये ऊपर खुलेगा, ये पोर्शन जब ऊपर खुलेगा तो यही चारों फिगर इधर भी दिखेगा, ये दो चारों फिगर इधर भी दिखेगा। सबसे पहले इसको फोल्ड किए, फिर यहां से फोल्ड किए, यहां दो होल किए, इसको जैसे आप इधर खोलिएगा तो यही दोनों ट्रायंगल यहां पे बनता दिखेगा, ठीक है इधर खुल गया, अब ये पूरा इधर खुलेगा तो ये चार का चार किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये चार जो है ऐसे खुलेगा तो ये चारों यहां पे दिखेगा, ऐसा जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका आंसर होगा। आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो घर में कागज लीजिए, कागज को काट के आप इस टाइप से देखिए, आपको ऐसा ही फिगर बनता हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, ये स्क्वायर पेपर है, यहां से फोल्ड किया फिर यहां से फोल्ड किया, यहां से जब फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड होने के बाद ये फिगर दिखेगा कुछ हमको ऐसा कि ये दोनों फोल्ड हो गया, अब ये इधर आ गया तो ये मेरा ऑलरेडी क्या हो चुका है, ये पूरा का पूरा फोल्ड हो चुका है, ये मेरा फोल्ड हो चुका है, उसके बाद यहां से इसको फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया तो यहां पे अब इसको बोल रहा है खोलेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा, तो देखिए इसको हम इसी में बना देते हैं, इसको जैसे आप खोलिएगा तो ये खुलेगा, तो पहले यहां पे ये खुलेगा, पहले यहां खुलेगा, ये वाला होल आपको यहां दिखेगा, उसके बाद इसको आप वापस खोलिएगा तो ये फिगर यहाँ पे, इसको इधर खोलिएगा तो ये फिगर यहाँ पे बनेगा, ऐसा देख लीजिए चार डॉट होना चाहिए, ऐसा ऐसा वाला ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है, और ये वाला कौन सा था, इसका भी ऑप्शन नंबर सी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर का आंसर क्या होगा, एक का अगर कोई बोल रहे हैं कि ये वाला फिगर सर थोड़ा अलग लग रहा है तो बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो आप सोच नहीं पा रहे हैं वहां तक, इसीलिए आपको अलग लग रहा है, आप घर में एक पेपर लीजिए, इसको इस टाइप से फोल्ड कीजिए और इस टाइप से होल कीजिए और खोल के देखिए, आपको ऐसा ही दिखाई देगा। हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री का कोई आंसर बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या होगा, तो भाई ऐसा पेज था, इसको यहां से फोल्ड किए, यहां से फोल्ड किए मतलब ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया, ऊपर वाला भाग फोल्ड हो गया, इसके बाद इधर से भी फोल्ड किए, इधर से भी फोल्ड करेंगे तो फिगर कुछ इधर से भी फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होके पेज हो गया, इधर से यहाँ थोड़ा सा मोड़े ऊपर से, थोड़ा सा मोड़े इस साइड से बनेगा इस तरह, एक होल यहाँ किए, एक होल यहाँ किए, अब खोलने के बाद कैसा फिगर दिखेगा, तो भाई सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो डॉट है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पर डॉट किए हैं, इसको जब आप खोलिएगा, इसको जब आप खोलिएगा तो फिगर आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ये वाला पेज आप इधर खोलिएगा तो ये वाला डॉट बनेगा यहां पे, इसको जब आप ऊपर खोलिएगा तो यही दोनों डॉट बन जाएगा यहां पे, तो ऐसा बनता हुआ फिगर आपको दिखाई देगा, फिगर जो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, एक दो तीन चार, और ये वाला पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये तो यही पे रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दे चुके हैं हमसे पहले ही, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आप लोग बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर हम बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आप लोग बता दीजिए
कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या जाएगा, घर पे आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए तुरंत, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और सारा ऑप्शन को देखिए बारीकी से, उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन 4 का डी, 4 का डी बोल रहे हैं, 4 का डी, 4 का डी, 4 का डी। हाँ बहुतों का आंसर आ गया है 4 का डी, बिल्कुल सही है, 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी, 4 का ऑप्शन डी बोल दिए बहुत लोग, बिल्कुल सही है, 4 का डी जाएगा। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो है वो सीरीज, अंतिम चैप्टर नॉन वर्बल का, नॉन वर्बल का अंतिम चैप्टर क्या है, तो सीरीज है। सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, क्या तो नंबर सीरीज पढ़े थे कि कभी स्क्वायर में बढ़ेगा, कभी क्यूब में बढ़ेगा, कभी मल्टीपल में बढ़ेगा, कभी डिफरेंस में बढ़ेगा, उस टाइप का सीरीज क्या है तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पर यहां पे आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नॉन वर्बल सीरीज। सीरीज मींस क्या होता है, श्रृंखला। यहां पे सीरीज में 3 सवाल है, तीनों सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहां पे ये क्या है, सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज मींस ऑर्डर में चल रहा है। सबसे पहले क्या है, पत्ता जो होता है ना, पत्ता, एक पत्ता होता है, एक पत्ता होता है कुछ ऐसे, तो पत्ता में दो साइड, एक साइड और एक साइड, कुछ ऐसा। तो यही पे क्या है, ये पत्ता वाला सीरीज है, पत्ता का पहले एक साइड है मींस कुछ ऐसे पत्ता है, उसके बाद फिर एक पत्ता पूरा का पूरा बन गया और उसका एक साइड चला कुछ ऐसा। फिर अगला में देखिए दो पत्ता है, दोनों का साइड निकाला, फिर 3 पत्ता है, दो साइड निकाला, इस ऑर्डर में चल रहा है। तो अगला टर्म क्या होगा ये आपको बताना है, इसी ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो किस ऑर्डर में बढ़ रहा है ये हम लोग को देखना होता है, किस ऑर्डर में बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक वर्क कर रहा है, सबसे पहले एक पत्ता ने लिया, पत्ता का दो किनारा, दो किनारा में एक किनारा ये चला, सबसे पहले यहाँ क्या चला, 1। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या है तो 1 है। फिर यहाँ पे आप किनारा काउंटिंग कीजिए तो कितना दिखेगा, 1, 2 और 1, 3। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फिर क्या है, 3, 3 हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा तो कितना दिखेगा, 1 किनारा 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कितना हो गया तो 6 हो गया। फिर आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए कितना है, 2, 4, 6, 7 और 1, 8, यहाँ पे देखिएगा तो 8 है। इसमें काउंटिंग कीजिएगा तो 2, 2, 2 करके सब में होगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 11, कुछ इस ऑर्डर में चल रहा है, किस इस ऑर्डर में चल रहा है। इसमें देखा 1 किनारा, इसमें देखा 3, 1, 2, 3, इसमें देखा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और इसमें कितना दिखा, 8, इसमें कितना दिखा, 11, इस ऑर्डर में चल रहा है। अगला टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। पत्ता काउंटिंग मत कीजिएगा क्योंकि यहां तो आधा पत्ता ही है, ठीक है, तो पत्ता का किनारा है तो इस ऑर्डर में चला। तो देखिए यहां पे क्या लॉजिक कर रहा है, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, तो इसमें कितना प्लस किया, इसमें प्लस किया है 2, 3 के बाद 6, 3 के बाद 6, इसमें कितना जोड़ा, इसमें जोड़ा 3, और 6 के बाद 8, 8 के बाद कितना जोड़ा तो 2 जोड़ा है, 8 के बाद 11, 11 में कितना जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे, इस ऑर्डर में चल रहा है, +2, +3, +2, +3, तो अगला में कितना प्लस करना पड़ेगा, तो अगला में हमको +2 करना पड़ेगा, +2 मतलब यहाँ पे 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13, कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 3 है, 6 है, 8 है, 11 है, तो इसमें 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो यहाँ 2 जोड़ेंगे मतलब 11 और 2, 13 वाला होना चाहिए, 13 वाला, तो 13 वाला बना लीजिए, देख लीजिए जिस ऑप्शन में 13 वाला आपको दिखाई दे रहा है, जिस ऑप्शन में आपको 13 वाला दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। 13 साइड वाला देख लीजिए किसमें दिखा, तो अगर आप वहां पे ध्यान से देखिएगा तो आपको 2-2 में दिखाई देगा, 2 ऑप्शन में दिखाई देगा 13 वाला, पहला तो दिखाई देगा 1 में, पहला तो अगर आप देखिएगा ध्यान से तो आपको किसमें दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखेगा कि 1 में आपको दिखाई देगा 13 वाला, 2, 4, 6, 8, 10 और 2 हो गया 12 और 1 हो गया कुछ ऐसा,
13, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन में दिख रहा होगा और एक आपको ऑप्शन नंबर फोर में भी दिख रहा होगा। एक अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर फोर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12 और एक क्या हो गया 13। तो यहां पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर दो दो ऑप्शन में 13 वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर वन में भी दिखेगा तो 13 वाला दिखेगा, ऑप्शन नंबर चार में भी दिखेगा तो 13 वाला दिखेगा, लेकिन वन और फोर में आंसर कौन होगा? तो यहां समझिए कि आंसर कौन सा होगा। ये फिगर देखिए, राइट साइड मुड़ा हुआ है, ये पत्ता का जो लाइन है राइट साइड मुड़ा है, इसमें राइट साइड है लेफ्ट में बनता गया, इसमें भी राइट साइड है लेफ्ट में बनता गया, इसमें भी राइट साइड है लेफ्ट में बनता गया, इसमें भी राइट साइड है लेफ्ट में बनता गया। तो यहां पे भी क्या होगा कि राइट साइड वाला होगा लेफ्ट में बनता जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वन आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर नहीं होगा क्योंकि इसमें राइट ना होगा। देखिए पत्ता का जो किधर मुड़ा है, लेफ्ट में मुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर फोर नहीं होगा, फोर काट देंगे, ऑप्शन नंबर वन आपका आंसर होगा। चलिए वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। टू नंबर में देखिए पांच फिगर है, अगला क्या होगा वो आपसे पूछा गया। तो देखिए इसमें क्या है कि इस साइड यहां पे मुड़ा हुआ है, यहां पे मुड़ा हुआ है, अब यहां से फिगर कहां आ गया यहां पे, तो कितना मुड़ा, तो आप देखिएगा एक घर और एक दो घर मुड़ा है, एक और एक दो घर मुड़ा है, और दो घर का मान क्या होता है, दो घर का मान होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट करके आया है कुछ यहां पे 90 डिग्री। आप ये सब पढ़ चुके होंगे डायरेक्शन टेस्ट में कि होता है कुछ ऐसा कि एक सर का एक वैल्यू का मान होता है 45 डिग्री, फिर इसका भी वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ ऐसा होता है। एक का मान 45, दो का मान हो जाएगा 90, तीन का 135 और चार का 180, इस ऑर्डर में चलता है कुछ। तो यहाँ पे क्या है 45 और 45, यहाँ पे एक घर और एक दो घर, 45 और 45, 90 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे आ गया ये वाला। अब यहाँ पे था तो यहां से आ गया यहां, मीन्स यहां से यहां कितना रोटेट किया, तो एक घर रोटेट किया है मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब यहां पे जो था वो आ गया यहां पे, तो कितना रोटेट किया, तो एक घर, दो घर और एक तीन घर, तीन घर रोटेट किया है, तीन का मतलब होता है 135, तीन का मतलब क्या होता है, तो 135 डिग्री रोटेट करके आ गया यहां पे। अब यहां से आप देखिएगा तो आ गया यहां पे, मीन्स यहां पे एक घर मुड़ा है, एक घर का मतलब होगा 45, यहां आ गया 45 डिग्री, तो यहां पे आप देखिएगा 45 डिग्री रोटेट किया है। अगला कितना रोटेट करेगा ये आपको बताना है। फिर से हम रिपीट करते हैं, यहां पे था, यहां आ गया, यहां पे था, देखिए यहां पे चला गया, एक और एक दो घर, दो का मान 90, फिर यहां था, यहां पे आ गया, एक घर बढ़ा मतलब कितना बढ़ा 45 डिग्री, फिर यहां से यहां पे आ गया है कुछ ऐसे, तो एक दो तीन 45 से 135 रोटेट किया। फिर अगला आप देखिएगा यहां से यहां चला गया, तो एक घर मुड़ा 45 डिग्री, अगला क्या चलेगा वो आपको बताना है, शॉर्ट में चला है। तो यहां पे क्या है, तो 45 डिग्री 45 डिग्री अल्टरनेट घर पे बिल्कुल कांस्टेंट है, अल्टरनेट घर पे क्या है बिल्कुल कांस्टेंट है, तो 90 से चला कितना 135, उसके बाद 135 से कितना चलेगा तो 180 चलेगा, मतलब 90 में 45 जोड़िएगा तो 135, ठीक है, और 135 में 45 जोड़ेंगे तो हम लोग को यहां पे कितना मिलेगा, तो 180 डिग्री रोटेट करना होगा, कुछ इस ऑर्डर में चला है, पहले 90 डिग्री घुमाया फिर 45, तो 90 में 45 जोड़ा 135, उसके बाद क्या किया फिर यहां पे 45 डिग्री घुमाया, तो 135 में 45 जोड़ेंगे 180, मीन्स इस बार 180 घूमेगा, 180 डिग्री पे आप घुमा दीजिए, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जो ऊपर है कहां चला जाएगा, सीधा नीचे आ जाएगा, मतलब चार घर घुमाना पड़ेगा तब होगा 180, ये सीधा नीचे आ जाएगा, फिगर कुछ यहां पे आएगा, ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसमें दिया है वो आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर फाइव में, ऑप्शन नंबर फाइव आंसर होगा। चलिए अंतिम सवाल आज के लिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। अब यहां पे क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करने की जरूरत है, थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, थोड़ा गलती है बी में। यहां पे क्या है कि ए नंबर में देखिए, हम लॉजिक बता दे रहे हैं, ये सारा का सारा फिगर चल रहा है राइट साइड, सारा का सारा किधर चल रहा है, पूरब की ओर, ईस्ट की ओर, सारा का फेस क्या है राइट और है, राइट और है, पर ऑप्शन नंबर बी में क्या किया कि एक को कर दिया वेस्ट की ओर पीछे, सब आगे बढ़ रहा है, सारा फिगर देखिए सारा एरो आगे बढ़ रहा है, इसमें एक को कर दिया वेस्ट की ओर, एक को पीछे कर दिया, बाद बाकी सारा आगे की ओर चल रहा है। यहां पे एक में आपका जो है ऐसे होगा, उसको आप सुधार कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में ऐसे कर लीजिए, सारा फिगर होगा आगे की ओर, बस एक होगा पीछे की ओर, एक को क्या किया वापस पीछे की ओर मोड़ दिया।
ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या किया कि एक पीछे था, इसमें दो को पीछे कर दिया, इसमें दो को पीछे की ओर रोटेट कर दिया है, बाद बाकी सारा आगे की ओर ही चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में आप देखिएगा तो इसमें क्या किया, दो को पीछे की ओर मोड़ दिया, सारा आगे की ओर चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि तीन को पीछे की ओर मोड़ दिया, तीन का फेस कर दिया है वेस्ट की ओर, सब आगे की ओर चल रहा है। ई में क्या किया, चार को कर दिया है, चार का फेस अगर आप देखिएगा तो चार का फेस कर दिया है पीछे की ओर, बाद बाकी एक आगे की ओर चल रहा है। तो अगला में क्या होगा, तो अगला में पांचों का पांचों फेस हो जाएगा, वो पीछे की ओर हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, पांचों का फेस पीछे की ओर हो जाना है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर टू। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ए में क्या है, तो सबका फेस आगे की ओर चला ईस्ट की ओर। बी में क्या किया, तो एक को पीछे की ओर मोड़ दिया, बाद बाकी सब आगे की ओर चला। यहां थोड़ा क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा, ये ऐसे है। सी में क्या किया, दो को पीछे की ओर मोड़ दिया, सब आगे चला। डी में क्या किया, तीन को पीछे की ओर मोड़ दिया, सब आगे चला। ई में क्या किया, चार को पीछे की ओर मोड़ दिया, सब आगे चला। ई में क्या करेंगे, पांचों को पीछे की ओर मोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर टू आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पे हम लोग पढ़े नन वर्बल का, इतना सात आठ टाइप पढ़ लिए, तो आज यहां पे नन वर्बल आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगली क्लास हम लोग रीजनिंग के कुछ नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, और जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया उसको थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस भी कीजिए।